नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज आप सभी को निजरा एकादशी यानी भीमसेन एकादशी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि आने वाले 2 जून 2020 को दिन मंगलवार के दिन पड़ रहा है। तो इस व्रत के बारे में कुछ विशेष बातें बताऊंगा कि इस व्रत को क्यों किया जाता है, इसके करने से क्या लाभ मिलता है और इस व्रत में क्या करें और क्या न करें जिससे हमें इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि निर्जला एकादशी या भीमसेन एकादशी का व्रत निर्जल रह के किया जाता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। यही नहीं, 12 माह के दोनों एकादशी के फल की भी प्राप्ति होती है सिर्फ निर्जला एकादशी के व्रत रहने से। तो समझ लीजिए कितना बड़ा इसका पुण्य है। अब बात करते हैं इसके व्रत की विधि के बारे में। देखिए, जिस व्यक्ति को निर्जला एकादशी का व्रत रखना हो, वह व्यक्ति एक दिन पूर्व संध्या के समय से पहले ही कुछ भोजन आदि कर ले। यानी कि जैसे 2 जून को निर्जला एकादशी है, तो 1 जून के दिन ही सायं समय सूर्य के अस्त होने के बाद भोजन आदि कर ले, जल आदि ग्रहण कर ले। उसके बाद से न जल ग्रहण करें और ना ही अन्न आदि ग्रहण करें। प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठे 2 जून को और विधि पूर्वक स्नान आदि करके मौन पूर्वक स्नान करें, शांति पूर्वक स्नान करें और उसके पश्चात भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजन करें। उनको पंच जल आदि पंचामृत आदि से स्नान कराएं, पीले चंदन से पीले पुष्प आदि के द्वारा उनकी विधि पूर्वक पूजन करें। फिर धूप दीप दिखा के फलों के ऋतु के फल जैसे आम आदि के फल के रस के द्वारा उनको भोग लगाएं, उनकी पूजन आदि करें और बैठ के भाव पूर्वक निर्जला एकादशी की व्रत कथा का पाठ श्रवण करें। तत्पश्चात किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को या सुयोग्य ब्राह्मण को जो वेद आदि का अध्ययन किए हो, अध्यापन कराते हो, ऐसे योग्य ब्राह्मण को उपानह और नाना प्रकार की वस्तुओं का दान उपदान उन्हें करें जो आपसे हो सके। और दिन में बिना जल आदि के द्वारा अपना व्रत पूर्ण करें और सायं के समय पुनः जो है भगवान की व्रत कथा से संबंधित बुक पढ़ें, भगवान की कोई अच्छी कहानियां पढ़ें, हो सके तो आरण्य कांड की श्री रामचरितमानस से आरण्य कांड की पाठ करें, हो सके तो विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें, भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का पाठ करें। इन स्तोत्रों और मंत्रों के जप आदि के द्वारा, पाठ आदि के द्वारा आपका जो विशेष मनोकामना होगा वह अवश्य पूर्ण होगा। फिर अगले दिन यानी 3 जून 2020 के दिन सूर्योदय के पश्चात, स्नान आदि के पश्चात सुयोग्य ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन आदि करके आप अपना व्रत खोल लें। ऐसा करने से आपकी जो मनोभिलषित कामना है वह निश्चय ही पूर्ण होगी। साथ ही साथ अब इस व्रत में क्या हमें करना चाहिए ये तो हमने बता दिया, और क्या नहीं करना चाहिए इसका हमें आपको ज्ञात कराना है। तो इस दिन रात्रि जागरण करना अच्छा होता है ना। दूसरा, निर्जला एकादशी के दिन बड़ों का अपमान करना वर्जित है। साथ ही साथ तांबूल पान गुटखा आदि निषेध करना चाहिए खाने से। तामसिक चीजें खाने से हमें बचना चाहिए, चावल खाने से बचना चाहिए, चावल को पूजा पाठ में यूज करने से हमें बचना चाहिए और विशेषतः किसी की चुगली आदि करने से हमें बचना चाहिए। ऐसा करने से निर्जला एकादशी के इस विधि पूर्वक व्रत के द्वारा 12 एकादशी का जो है फल की प्राप्ति निश्चय ही होती है। जय श्री राम, नमस्कार।